ये क्रॉस खड़ी हुई, इनको बताने के चक्कर में ये चढ़ी है, इसके पीछे ये थी, इसके पीछे मेरी, मेरे के पीछे थी वो आर्टिकल खड़ी है सामने। ये अमृत वाली किसकी है? अरे पत्रकार साहब, इसका स्क्रीनिंग ये गाड़ियां सारी डैमेज है, मतलब पांच गाड़ियां जिसमें की पांच गाड़ियां आपस में भिड़ी है। ये हादसे की पूरी तस्वीर आपको दिखाई जा रही है, किस प्रकार गाड़ियां भिड़ी है। वो आर्टिका मेरे गाड़ी है। दिल्ली सरसा राष्ट्रीय राजमार्ग पर हाथी में ढाणा के पास बड़े हादसे की खबर आ रही है। आपको बता दें कि पांच गाड़ियां आपस में टकराई है। आपको बता दें एक गाड़ी का स्टेयरिंग फेल था, वो राष्ट्रीय राजमार्ग पर खड़ी थी, उसके बचाव में ये गाड़ियां आपस में भिड़ी है। और आपको बता दें पुलिस की टीम मौके पर पहुंच चुकी है, गाड़ियां सभी डैमेज हो चुकी है। तस्वीर आपको हरियाणा पोल खोल न्यूज पर दिखाने का काम। सर मेरा नाम हेमेंद्र जौहरी है, मैं सिरसा से आया था, मैं रोहतक जॉब करता हूँ, रोहतक जा रहा था। तो कैसे हुआ सर ये? एक्चुअली ये इको वाला खड़ा हुआ था, इको वाले का स्टीयरिंग अभी पता लगा है, पुलिस वालों ने जब चेक किया है कि इको वाले का स्टीयरिंग फेल हो रखा था। इको वाले को बचाने चक्कर में सामने एक देखिए आप ब्रीजा खड़ी हुई है, ब्रीजा वाले ने ऊपर डिवाइडर पर चढ़ा दिया उसको बचाने चक्कर में, लेकिन इनके पीछे गाड़ी ये थी तो ये कंट्रोल नहीं कर पाए। ये भाई साहब की किया लगी है, इसके पीछे मेरी अर्टिका गाड़ी है 9975 गाड़ी नंबर वो थी, उसके पीछे ये सामने खड़ी है दूसरी अर्टिका 2544 ये मेरे पीछे थी। तो इस तरह से ये पूरा हादसा हुआ है। तो किसी को चोट लगी? नहीं, चोट किसी की नहीं लगी है, गाड़ियां सारी डैमेज है, मतलब पांच गाड़ियां जिसमें की पांच गाड़ी डैमेज हुई है। आपको बता दें इसकी गाड़ी वगैरह खराब था और ये यहाँ खड़ी थी, उसको बचाने के चक्कर में ये गाड़ी आगे डिवाइडर पर चढ़ी है, उसके बाद आपको शरीर में ये दोनों गाड़ी आगे ये पीछे दोनों गाड़ी आपस में टकराई है, पांच गाड़ियां स्टीयरिंग फेल बता दे रहा है, उसके बाद ये गाड़ियां आपस में भिड़ी है और ये सारी गाड़ियां टकराई है। पुलिस मौके पहुंच चुकी है, दो गाड़ियां पुलिस की दिखा रहे हैं, मौके पहुंची हुई है और बड़ा हादसा, यानी कहें तो गाड़ियां डैमेज हो चुकी है, सारी गाड़ियां बिल्कुल डैमेज हो चुकी है और पुलिस की दो गाड़ियां मौके पहुंच चुकी है। तस्वीर आपको दिखाई जा रही है किस प्रकार गाड़ियां आपस में भिड़ी है। ये हादसे की पूरी तस्वीर आपको दिखाई जा रही है किस प्रकार गाड़ियां भिड़ी है। वो आर्टिका मेरे गाड़ी है, वो दिखा रही गाड़ी, ये गाड़ी भी आप सिरसा से आ रहे थे? हाँ जी, सिरसा से गुड़गांव जाना था फरीदाबाद। तो घटना किस टाइम हुई है? घटना ये मौके पे कोई लगभग 9 बजे करीब हुई है जी, 9:30-9:45 के बीच में इस टाइम हुई गाड़ी, सिर्फ इको के बीच इको गाड़ी है उसकी गलती की वजह से हुई है जी। अच्छा, इको गाड़ी गलती हुई, गाड़ी वजह से बीच में लगी, स्टीयरिंग फेल हो गया उस गाड़ी का ही, पुलिस वाले हम मौके पर चेक की गाड़ी को ही। कैसे हुआ हादसा ये? ये तो कोई इको गाड़ी है जो जा रही थी और कोई देखा तो उसका ब्रेक फेल हो रखी थी, उसमें आगे पीछे जैसे वो गाड़ी बंद हुई है, जैसे भी है कोई गाड़ी आई पीछे से और उनमें फिर गाड़ी पीछे से लगी है और कोई जान माल का नुकसान नहीं, गाड़ी टच हुई है सिर्फ और सारी पीसफुल है। तो कितनी गाड़ी मिली है उसमें? ये 3-4 गाड़ियां लगी हुई है आप श्री में पीछे से लगी है, जैसे एक गाड़ी खराब हुई है। तो पुलिस की टीम मौके पहुंच गई? हाँ बिल्कुल, मौके पे पहुंची उसी टाइम, हाइड्रा गाड़ी आ गई है, हमारी हाईवे की गाड़ी आ चुकी है और बिल्कुल पीसफुल है, कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है।